गौरव सर पे बनी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को 30K लाइक्स देने कहा था और आपने तो तकरीबन 60K लाइक्स दे दिए। इसीलिए आज की वीडियो में हम गौरव सर की जिंदगी से जुड़ी दो और हॉरर केसेस पे बात करेंगे जो कि काफी खौफनाक है। अब ये सारी केसेस मैं घोस्ट हंटर गौरव तिवारी बुक को पढ़ के कवर कर रहा हूँ, जिसे आप चाहे तो अमेजोन से ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। बोगोर रोड जेल, ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नामक शहर में मौजूद एक जेल है जिसे करीब 1883 के दौरान खोला गया था। कहा जाता है कि 1880s के वक्त ये एक मेजर एग्जीक्यूशन ग्राउंड था। साथ ही यहाँ देश के सबसे कुख्यात कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ तकरीबन 42 क्रिमिनल्स मारे गए थे और अर्नेस्ट ऑस्टिन इनमें से आखिरी था जो कि बच्चों का हत्यारा था। लोग कहते हैं कि मरने से ठीक पहले ऑस्टिन पागलों की तरह हंस रहा था। अब दिसंबर 2012 में इस जेल को वापस खोला गया क्योंकि गवर्नमेंट इसे एक गाइडेड टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहती थी। ऐसे में यहाँ डेली टूर्स ऑर्गेनाइज होने लगे और यहाँ कई लोग काम भी करने लगे, जिनमें से एक था जैनिटर जिमी। तो एक दिन जब जिमी साफ सफाई कर रहा था तो वहां उसकी मुलाकात एक लंबे चौड़े इंसान से होती है जो कि अपने आप को टूरिस्ट बता रहा था और उसका कहना था कि वो गुम हो गया है। जिमी इस इंसान को मेन गेट तक ले गया जहां अचानक ही वो आदमी गायब हो चुका था। यहां हैरानी की बात ये थी कि मेन गेट पे खड़े गार्ड का कहना था कि जिमी तो अकेला ही बड़बड़ाता हुआ यहां आ रहा था, उसके साथ कोई था ही नहीं। ये सुनकर जिमी कहने लग गया कि नहीं, मेरे साथ एक इंसान था जिससे मैंने बात करी, वो विक्टोरिया से था। ये सुनते ही गार्ड एकदम चौंक गया और वो बोला कि ऑस्टिन भी तो विक्टोरिया से था। अब दोस्तों, गौरव इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते रहते थे और उन्हें इस प्रिजन को इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिला। यहाँ उनके साथ ऑस्ट्रेलिया से रॉब, एलन, रेलिन और मामा ओल पैरानॉर्मल की टीम थी। गौरव ने इस इन्वेस्टिगेशन के लिए ईवीपी रिकॉर्डर के अलावा इकोवॉक्स नाम की एक एडवांस डिवाइस का इस्तेमाल किया था, जहां ईवीपी अननेचुरल आवाजों को रिकॉर्ड करती है और बाद में हम स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स आदि का इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग को एनालाइज कर सकते हैं। वहीं इकोवॉक्स रियल टाइम में हमें रिकॉर्डेड आवाज सुनाती है। इकोवॉक्स में एक साउंड बैंक भी होता है जिसमें वॉवल्स एंड कॉन्सनेंट्स, मेल एंड फीमेल वॉइसेस होते हैं। ये स्पिरिट्स की आवाज को हमें रिफाइन करके सुना सकती है क्योंकि रिसर्चर्स का मानना है कि आत्माएं इन वॉवल्स और आवाजों को एनर्जी की मदद से मैनिपुलेट करके अपनी बात कह सकती है। एनीवेज, तो जब गौरव ने इकोवॉक्स को सेटअप किया तब उससे कुछ आवाजें आने लगी। गौरव ने तुरंत इसको रिस्पॉन्ड किया और देखते देखते गौरव और टीम को कई आवाजें सुनाई देने लग गई। ये आवाजें लोगों के हंसने की थी, उनके चीखने की थी और कुछ आवाजें कह रही थी माई सेल, सफरिंग, वी आर डेड, हु आर यू इत्यादि। तभी गौरव को एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो कि उनसे मदद मांग रही थी। जी हाँ, इस आवाज को सुनकर गौरव के जहन में सिर्फ एक ही नाम बार बार कौंध रहा था, विच वॉज एलन। एलन थॉम्सन एक मात्र ऐसी औरत थी जिसे 1887 में क्वींसलैंड लॉ के तहत एग्जीक्यूट किया गया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि एलन पर यह इल्जाम था कि वो अपने लवर जॉन के साथ मिलकर अपने पति विलियम थॉम्सन को गोली मार दी थी। हालांकि केयरटेकर ने हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह भी बता दिया था कि एलन का पति उससे 24 साल बड़ा था और उसको काफी मारा पीटा करता था। यही नहीं, अपनी मौत से ठीक पहले जॉन ने बताया था कि एलन का अपने पति को मारने में कोई हाथ नहीं था। इसका मतलब ये कि जॉन ने खुद ही अपने मनमर्जी से विलियम पे गोली चलाया था और इसमें एलन का कोई हाथ नहीं था। लेकिन इस कन्फेशन तक तो बहुत देर हो चुकी थी और एलन को सूली पे ऑलरेडी चढ़ाया जा चुका था। शायद इस अन्याय की वजह से ही एलन की आत्मा बार बार गौरव से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस इंसिडेंट से गौरव कंक्लूड करते हैं कि यहाँ कई आत्माएं बहुत दर्द में हैं और वो अपनी कहानी हमें बताना चाहती हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी भी आत्मा थी जो कि दूसरों को दर्द पहुंचाने वालों में से एक थी। जी हाँ, मैं यहाँ अर्नेस्ट ऑस्टिन की बात कर रहा हूँ जो कि कई साल पहले बच्चों को मारने के लिए एग्जीक्यूट किया गया था। गौरव इससे भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी टीम मेंबर्स को एक गहरी ठंडी हवा महसूस हुई, मानो किसी ने उन्हें बर्फ से भरे टब में छोड़ दिया हो। इसके बाद एक सफेद आकृति दीवार से पनपती हुई नजर आई जो कि पुराने जमाने के कपड़े पहन रखा था।
उसका शर्ट बटनड अप और वाइट था, वेस्ट ब्लैक एंड पैंट मैचिंग था। साथ ही ये इंसान पूरे ईविल की तरह मुस्कुरा रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि ऑस्टिन था, जिसे यहाँ 22 सितंबर 1913 को मारा गया था। टीम बताती है कि चेहरे से ये आदमी बहुत भयानक लग रहा था, मानो उसके चेहरे पे कोई इंसानियत नहीं थी। ये दृश्य बस कुछ ही पलों के लिए था, जिसके बाद सब नॉर्मल हुआ। इन सारी घटनाओं से एक बात जरूर प्रूव हो गया था कि बोगर रोड जेल वाकई में हॉन्टेड है। गौरव ने अपने एक्सपर्टाइज की मदद से यहाँ के कई राज खोल दिए थे। अब दोस्तों, गौरव सर की जो अगली केस है वो कुलधारा गांव से जुड़ी है, और ऐसे ही मुझे कुकू एफएम पे कुलधारा द हॉन्टेड विलेज नाम की ऑडियो बुक याद आती है, जो कि काफी दिलचस्प है। जी हाँ, कुलधारा एक ऐसी जगह है जहां आज भी शाम को जाना मना है और वहां आसपास कोई नहीं रहता। तो आखिर क्या है उस गाँव के पीछे की सच्चाई, जान सकते हैं आप इस ऑडियो बुक को सुनकर। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां अब 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। अब आपको पता ही होगा कि कुकू एफएम को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि हॉन्ट 50 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा 50% ऑफ, यानी 399 वाला सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 199 में। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो वेट क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। डाउनलोड कुकू एफएम नाउ एंड हैप्पी लिसनिंग। कुलधारा को इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक गिना जाता है। जैसलमेर से मात्र 1 घंटे की दूरी पर बसा यह गांव 13वीं शताब्दी में बसाया गया था। बट द क्वेश्चन इज कि ये जगह पूरी तरह से खाली क्यों है? आखिर क्या वजह है कि इसके आसपास गुजरने मात्र से भी लोग डरते हैं? अब पक्का कारण तो शायद किसी को मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 19वीं सदी में पानी की कमी के कारण लोग प्यासे मरने लगे और बचे कुछ लोग अपने परिवार को लेकर रातों रात गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि सलीम सिंह नाम के एक मंत्री इस गांव में लोगों को प्रताड़ित करने लगा, जिससे परेशान होकर सब चले गए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यहां कोई भूकंप आया, जिसने सारा बसा बसाया गांव को उजाड़ दिया। एक कहानी तो तांत्रिक के शाप से भी जुड़ी है, और उसकी अल्टरनेट वर्जन एक सुंदर राजकुमारी से जुड़ी है, जिसे मैंने अपने पुराने वीडियो में कवर किया है, इसलिए मैं उसे डिटेल में यहां नहीं बताऊंगा। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एनीवेज, यहां सबसे ज्यादा माने जाने वाली कहानी तो सलीम सिंह की है। जी हाँ, कहा जाता है कि आज से करीब 200 साल पहले, जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तब कुलधारा में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। इसी वक्त में एक दीवान हुआ सलीम सिंह, जो बहुत बेरहम था। अक्सर लोगों से वो अवैध तरीके से काम लेता था, उनसे अधिक से अधिक कर जमा यानी कि टैक्स जमा करवाता था और उन्हें बहुत प्रताड़ित करता था। हद तो तब हो गई जब उसने ऐलान कर दिया कि उसे गांव के जमींदार की जवान बेटी से शादी करनी है। अगर गांव वाले उस लड़की को समझा बुझाकर उसके पास नहीं लाए तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कुलधारा के लोग सलीम की बेदर्दी से वाकिफ थे, अतः एक रात चुपचाप सारा गांव निकल गया। सब अपने पीछे अपने घर बार सामान आदि छोड़ गए। अब वो कहाँ गए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जाने से पहले उन्होंने इस गांव को शापित कर दिया कि यहाँ कोई भी नहीं रह पाएगा। यहां तक कि आज भी किसी को नहीं मालूम कि पालीवाल ब्राह्मण कहां पर जाकर बसे। तब से लेकर आज तक कुलधारा एक शांत मरुभूमि है, जहां पर मीलों तक एक परिंदा भी पर नहीं मारता। तो अक्टूबर 2010 में गौरव सर ने MTV गर्ल्स नाइट आउट की शूटिंग के दौरान कुलधारा के बारे में छानबीन की। वो इस जगह MTV के टीम के साथ ही आए थे। अब इस शो में होता यह था कि 3 लड़कियों को किसी हॉन्टेड प्लेस पे रात बिताने के लिए चैलेंज दिया जाता था। हर कंटेस्टेंट अकेला होता था और रात बिताने के बाद जीतने वाले को 5,00,000 रुपए इनाम मिलता था। इस शो को मशहूर अभिनेता रणविजय होस्ट कर रहे थे, और कुलधारा के एक्सपेडिशन में उनके साथ गौरव सर और उनके साथ ही टीम मेंबर आकांक्षा थी। इनके साथ शो के कंटेस्टेंट्स थे रुबीना, नफीसा और तारा। ये तीनों लड़कियां ऑब्वियसली अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन जो उनके साथ होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो रात के करीब 10:45 बजे रणविजय, गौरव, आकांक्षा और 2 क्रू मेंबर्स अपनी गाड़ी में बाहर इंतजार करने लगे, और दूसरी तरफ कंटेस्टेंट्स अकेले भूतिया गांव के अंदर चले गए ताकि अपना टास्क वो पूरा कर सके। तीनों लड़कियां अपने अपने रास्ते निकल गई, और यहां रुबीना का प्लान एक घर के कोने में बैठकर रात को बिताने का था, और वो ऐसा ही कर रही थी। ये घर और इसके आसपास का एक मंदिर उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रिनोवेट कराया जा रहा था, और शाम के वक्त वहां किसी वर्कर का भी होना मना था। यहीं पास में सारी एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए थे। कंटेस्टेंट्स के पास भी नाइट विजन कैमरा, फ्लैशलाइट्स आदि की सुविधा थी।
तो रात के करीब 2 बजे तक सभी कंटेस्टेंट्स अपना बेस्ट दे रहे थे। ना ही कोई लड़की डरी थी, ना ईएमएफ मीटर में कोई खास हलचल महसूस हुई थी। नाउ जिस घर में रूबीना ने आश्रय लिया था वो घर भी काफी पुराना और टूटा फूटा सा था। तो कुछ देर वहां रहने के बाद रूबीना को वहां एक तेज बू आने लगती है और तभी उसे महसूस होता है मानो कोई सामने से उसे देख रहा हो। इसके ठीक बाद रूबीना को एक क्रू मेंबर डैनी की आवाज आती है जो कि ये कहकर उसे बाहर बुला रहा था कि शो खत्म हो गया है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन यहां हैरानी वाली बात ये थी कि शो तो सुबह खत्म होने वाला था, साथ ही रूल्स के मुताबिक डैनी का यहां होना अलाउड ही नहीं था। तो ऐसे में रूबीना जब बाहर डैनी से इस बारे में पूछने जाती है तो बाहर कोई था ही नहीं। इस पॉइंट पर रूबीना को लगा कि मे बी शो सचमुच खत्म हो गया है, इसलिए वो मेन एरिया की तरफ जाने लग गई और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो हंसते हुए कहता है कि तुम जीत गई हो। ये सुनते ही रूबीना एकदम डर गई और धीमी सी रोशनी में वो एक काला साया देखती है जो कि उसके साथ चल रहा था। इसके बाद रूबीना एकदम से गायब हो गई और कई घंटों तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में शो को तुरंत रोका गया और सीसीटीवी में उसकी आखिरी फुटेज वो थी जहां वो डैनी का नाम लेकर बाहर आई थी, और रियलिटी में तो डैनी पूरे टाइम टीम के साथ कार में था। काफी खोजबीन करने के बाद रूबीना कुलधारा से कई किलोमीटर दूर एक झाड़ी के पास बेहोश हालत में मिली। इस घटना के बाद तो एमटीवी नाइट आउट को बंद ही करवा दिया गया और ये केस हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में खौफ की तरह बैठ गया। अब कुलधारा के खौफ के किस्से यहीं खत्म नहीं हुए। 2011 में एक बार फिर गौरव सर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ख्याल से आज तक और जी न्यूज की टीम और साथ ही टीम मेंबर राज के साथ कुलधारा आए। अब की बार रात के ठीक 12:25 में 3 सीसीटीवी कैमरास में तकनीकी दिक्कतें आने लग गई और ईएमएफ मीटर भी स्पाइक करने लगा। ये स्पाइक क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ असाधारण गतिविधियां शुरू हो चुकी थी। नाउ हैरानी की बात ये थी कि सारे इक्विपमेंट्स एकदम नए थे और इन सब का एक साथ खराब होना लगभग असंभव सा था। उधर गौरव सर भी ईवीपी के जरिए आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश में थे और इस सेशन में कुछ स्पिरिट्स ईएमएफ को स्पाइक करके उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। दूसरी तरफ सीसीटीवी के खराबी की जड़ तक पहुंचने के लिए राज अपना नाइट विजन कैमरा लेकर आसपास में घूमने लगा, जब अचानक उसे एक आदमी का साया एक झोपड़ी के पास मालूम हुआ। अब वो जो साया था वो राज को उसके नाम से पुकारा, वो भी बहुत जोर से। लेकिन जैसे ही राज मुड़ के उस तरफ गया तो वो साया गायब हो चुका था और उनका कैमरा भी खराब हो गया। नाउ सुबह के ठीक 3:30 जब टीम कुलधारा से बाहर निकली और अपनी कार के पास पहुंची तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गाड़ी के रियर व्यू मिरर पे 2 छोटे छोटे हैंड प्रिंट बने हुए थे। ये हैंड प्रिंट किसी 4-5 साल के बच्चे के मालूम होते थे और गौरव वहां के लोगों से पूछते भी हैं कि यहाँ कोई रहता है क्या, लेकिन उस एरिया में 5 किलोमीटर दूर तक कोई इंसान नहीं था, तो ऐसे में एक छोटे बच्चे का वहां आना पॉसिबल नहीं था। साथ ही इस पूरी रात में उन्होंने फोर्ट के आसपास कई एबनॉर्मल चीजें देखी, जैसे पेड़ों का हिलना। ऑल्दो उसमें बंदर था बट स्टिल ये सब बहुत ही अजीब था। सब लोग इस पूरे इंसिडेंट को डिस्कस करने लगे और इससे पहले कोई भी इस वाक्य को समझ पाता एक और भयानक हादसा होता है। अचानक से ही कार के इंजन में आग लग जाती है एंड यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये आग अपने आप ही लग गई थी और एक गाड़ी पूरी तरह से जल गई। गौरव सर और टीम मेंबर्स ये बस देखते ही रह गए, वो कुछ कर नहीं पाए। और इस इंसिडेंट के बाद राज ने बताया कि कुलधारा से ज्यादा क्रीपी जगह शायद पूरे हिंदुस्तान में ना हो। सभी टीम मेंबर्स दूसरी कार में किसी तरह एडजस्ट होकर निकल गए और जाते जाते वो समझ गए थे कि कुलधारा की आत्माओं को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ बिना एक्सपर्टाइज के किसी भी तरह का काम करना बहुत ज्यादा रिस्की है, लोगों की जान तक जा सकती है। तो दोस्तों ये थे गौरव सर की किताब से 2 और केसेस। मुझे उम्मीद है आपको ये सुनने में अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का एक फाइनल पार्ट मैं लेकर आऊंगा यानी पार्ट 3, जिसमें कुछ एडिशनल केसेस के साथ साथ मैं गौरव सर के पर्सनल लाइफ पे भी काफी रोशनी डालूंगा। अब वो वीडियो 30-40 मिनट या फिर उससे भी लंबी हो सकती है और उसमें एडिट अमेजिंग होगी, मतलब एकदम डॉक्यूमेंट्री टाइप से होगी। लेकिन इतनी अगर मैं मेहनत करूंगा तो आपसे भी कुछ मेहनत करवाऊंगा, यानी कि इस वीडियो पे कम से कम 50K लाइक्स आने चाहिए। आई नो 30K से 50K बड़ा जंप है, लेकिन ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को शेयर भी कीजिए, साथ ही 50K लाइक्स में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तब तक मैं वीडियो जल्दी से बना लूंगा, वरना 30K तो आप इतना जल्दी पूरा कर दिए कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला तुरंत वीडियो बनाने का। तो फिर लग जाओ वीडियो को लाइक और शेयर करने में। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज my code HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 to get 50% off on yearly subscription। अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।